मम्मा मैंने चेंज कर लिया है और मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे मैंगो मस्तानी दे दे। अरे निशा दीदी मुझे ना मैंगो आइसक्रीम, मैं तो आम पन्ना पीऊंगी, आम पन्ना। मुझे तो आम पापड़ खाऊंगी मैं। निशा आज आम पन्ना पीने का मन कर रहा, आज आम पन्ना बना दो। निशा उस दिन किटी पार्टी के लिए जो मैंगो मोहितो बनाया था ना, आज हमारे लिए एक गिलास और बना लेना। ओहो इनकी फरमाइशें तो देखो, पर एक अच्छी बात है कि इन सब की फरमाइशें पूरी कर देगा ये सिर्फ आम। इससे पहले हम इनकी फरमाइशें पूरी करें, आपको करना है वीडियो को 30,000 लाइक, क्योंकि रेसिपी होने वाली है बहुत ही इजी और मजेदार। और मुझे दिख गया नारियल पानी, तो बस नारियल पानी पी के मैं चलती हूँ रेसिपी इसको बनाने। सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो पल्प, ये हमारी सभी रेसिपी में यूज होना है, तो हम इसे थोड़ा ज्यादा बनाएंगे। शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार मैंगो फ्रूट क्रीम से, जिसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर में लिया मैंने व्हिप्ड क्रीम, और अब मैं इसे बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। क्रीम को बीट करने के लिए पहले एक मिनट तक लो स्पीड पे करें और फिर इसे दो से तीन मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करें, तभी आपकी क्रीम अच्छे से बीट होगी। और जब इस तरीके की पीक्स इसमें आने लगेगी तो हम इसमें मिलाएंगे मैंगो पल्प। पल्प एकदम स्मूथ रहे इसीलिए इसे छन्नी से छान के डालें। जब इस तरीके की पीक आ जाए तो हमारी क्रीम तैयार है, और अब इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नोजल के पाइपिंग बैग में इसे फिल कर लिया है, और अब यहाँ पे मैंने लिए सीजनल चॉप्ड फ्रूट्स। अब इन चॉप्ड फ्रूट्स को मिक्स करेंगे बाकी क्रीम में। सभी फ्रूट्स के अच्छे से मिक्स होने के बाद अब एक बड़े से सर्विंग बाउल में इसे डालकर एक लेयर बना लेंगे, और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नोजल के पाइपिंग बैग से इसे डेकोरेट कर लिया है, आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा और डेकोरेट किया है फॉन्डेंट चॉकलेट लगाकर। और दोस्तों देखा ना कितना सुंदर बन के आया हमारा फ्रूट क्रीम। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे तो बच्चे बड़ों की पार्टी के लिए भी इस रेसिपी को एक बार ही घर पे जरूर ट्राई करें। अब बनाएंगे पुणे की फेमस मैंगो मस्तानी। इसके लिए एक गिलास में डालें मैंगो के चॉप्ड पीसेस, उसके ऊपर डालें एक लेयर वनीला आइसक्रीम की, इसके ऊपर डालें मैंगो शेक, और इसके ऊपर एक और लेयर डालें वनीला आइसक्रीम की। टॉपिंग के लिए डालें इसमें थोड़े से चॉप्ड मैंगो, अनार, कटे हुए बादाम, काजू और कुछ फ्रूटीज। मैंगो मस्तानी की खास बात यह है कि इसमें जो मैंगो शेक यूज होता है वो थोड़ा थिक होता है, और समर के लिए एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और अब जानते हैं मेरी बेटी अनंतिया को ये कैसी लगी। एक थी बाजीराव मस्तानी और ये है मेरी मैंगो मस्तानी। और खासकर अगर ये स्कूल से आने के बाद ये मिले ना, तो कुछ मजा ही कुछ और है। अब बनाते हैं मैंगो मोहितो। इसके लिए लेमन की स्लाइसेस और मिंट को क्रश कर लें। डालें लेमन की स्लाइसेस और मिंट लीव्स, इसके ऊपर डालें दो चम्मच मैंगो पल्प के, और अब इसके ऊपर डालें सोडा, या आप इसमें लिमका भी डाल सकते हैं। इसे और भी सुंदर बनाने के लिए लगाएं इसमें लेमन की एक स्लाइस, और यहाँ पे हमारा मैंगो मोहितो तैयार है। अब बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड। इसके लिए उबाला है मैंने आधा लीटर दूध, और इसमें डाला है एक कप चीनी। उबाल आने का इंतजार करें। दूसरी तरफ ठंडे दूध में डालें तीन बड़े चम्मच कस्टर्ड के, इसे अच्छे से मिला लें ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और अब इसे डाल दें दूध में। दूध में डालकर इसे लगातार चलाते रहें, जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए और इसकी गुठलियां ना बने। जैसे ही उबाल आ जाए गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। कस्टर्ड ठंडा हो गया है तो इसमें डालें मैंगो पल्प और उसे भी अच्छे से मिला लें, और इसे सर्व करें एक सर्विंग बाउल में। तो यहाँ पर हमारा मैंगो कस्टर्ड भी बनके तैयार है, आप इसे अपनी मनपसंद टॉपिंग के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे आम पापड़, जिसके लिए मैंगो पल्प लें। अब इस पल्प को चीनी के साथ एक कढ़ाई में पका लें, इसे लगातार चलाते रहें 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेवर के लिए डालें पिसी हुई इलायची पाउडर। दूसरी तरफ एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लें, और पके हुए पल्प को डालकर इस तरीके से अच्छे से फैला लें, और इसे 2 दिन तक धूप में रख दें। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से सूख गया है, और इसे निकाल लें।
और यहाँ तैयार है हमारा एकदम नेचुरल घर पे बना हुआ आम पापड़। अब हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके लिए लें कटे हुए आम, फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड। इस मैंगो आइसक्रीम के लिए लें एक मिक्सचर जार, उसमें डालें फ्रेश क्रीम, मिल्क मेड और मैंगो पल्प को और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसे डाल दें एक बर्तन में और इसे एक फॉइल से कवर कर दें जिससे कि इसमें मॉइस्चर ना आए और इसे फ्रिज में 5 से 6 घंटे सेट होने रख दें। और सेट होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे मज़ेदार मैंगो फ्रूटी। इसके लिए हम 2:1 के रेशियो में लेंगे 2 पके हुए और 1 कच्चे आम को, उनको छिलकर उनके पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद अब हम इसे एक प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे चाशनी, जिसके लिए 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंगो पल्प भी उबल गया है तो इसको अब हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें चाहिए इसका स्मूथ पेस्ट, तो इसे छन्नी की मदद से छान लें। अब इसमें मिलाएं चाशनी को और डालें इसमें पानी इसकी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए और यहाँ पर हमारी मज़ेदार फ्रूटी बनके तैयार है। इस फ्रूटी को आप दोस्तों किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके 4 से 5 दिन आराम से पी सकते हैं और ये एकदम 100% नेचुरल घर की बनी हुई फ्रूटी है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब हम बनाएंगे आम पन्ना। दोस्तों आम पन्ना गर्मियों में हमारे हीट स्ट्रोक से बचाता है। इसके लिए लगभग 1/2 किलो कच्चे आम को छिल लें और छिलने के बाद इसके पीसेस कर लें। अब एक कुकर लें, इसमें डालें कटे हुए आम, पुदीना और डालें लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लें। उबलने के बाद डालें इसमें चीनी को स्वाद अनुसार और अब इस पल्प को आप छन्नी की मदद से छान लें। अब इसमें डालें काला नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर, उसे भी अच्छे से मिला लें। और यहाँ हमारा आम पन्ना बनके तैयार है। और हमारी आखिरी और सबसे सिंपल रेसिपी है मैंगो शेक। इसके लिए लें आप कटे हुए आम के पीसेस, आप इसमें केला भी डाल दें, डालें 2 बड़ी चम्मच दही, शहद और चीनी और इन सबको एक ग्राइंडर में मिक्स कर दें। और यहाँ पे हमारा रिफ्रेशिंग मैंगो शेक बनके तैयार है। इन सब की ख्वाहिशें तो कर दी है मैंने पूरी और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट मैंगो रेसिपी है। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।